इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। जय 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 मुनिवर श्री संधान सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणवंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच में गुणायतन और सेवायतन के ट्रस्टी बरेली निवासी अनिल जी त्रसला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आए परम पूज मुनिवर के शिष्य मंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान अनिल जी त्रसला जी आए मंच में स्थान ग्रहण करें। गुणायतन की और सेवायतन के ट्रस्टी हैं बरेली से, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के शिक्षण नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती समेली जी, पुत्र सर्वेश जी, पुत्र वधु प्रिया जी, मढ़ देवरा वाले इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और मैं हमारे अनिल जी त्रसला जी बरेली गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे यजमान परिवार से श्रीमान मुकेश जी पाटोदी और स्वागत अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी सेठी ये आएंगे। हमारे सम्माननीय अनिल जी त्रसला जी बरेली गुणायतन सेवायतन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और सूत्रधार के रूप में सुरेश चंद जी, श्रीमती चमेली जी, सर्वेश जी, पुत्र वधु प्रिया, मढ़ देवरा वाले इंदौर, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे दोनों गोधा श्रीमान राकेश जी और दिलीप जी गोधा और साथ में आ जाएंगे आनंद जी गोधा। सर्वप्रथम भैया मुकेश त्रिसला जी का करना, आनंद जी का करना, मैं इनका करना सम्मान, अरे इनका, हाँ जी श्रीमती चंदन वाला जी आ जावे और साथ में रजनी गोधा सरोज जी महिला सम्मान के लिए आ जावे जल्दी। मुकेश जी उनका सम्मान करना है, आइए महिला सम्मान के लिए श्रीमती सरोज जी, चंदन वाला, रजनी जी ये सभी आ जावे। एक और हो जाओ ना मैं मिनटों पहुँचाऊँ। और आइए हमारे श्री सुरेश चंद जी उनका प्रतीक चिन्ह देकर हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी सम्मान कर रहे हैं। भैया इनका करना है, मंदिर वालों का, ये पीला कुर्ता जो पहने उनका करना है, उनका करना है। ताली बजा के सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी से। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं, गुरु चरणों में पहुंचते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राकेश रजनी गोदा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कहते हैं ना कि जब जीवन का अंत हो सामने संत हो, ऐसी भावना के साथ में कोयला परिवार के जो यहाँ संलग्नर छपट हैं उनके परिवार से आज बेटी दामाद उपस्थित हैं। देवेंद्र जी, अर्चना जैन भोपाल एडवोकेट हैं। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बचपन से पचपन तक, पचपन साल के बाद क्या हमको हैप्पी एनिवर्सरी
हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो क्यों, कहाँ और कैसे? नमस्ते गुरुवार। ओम, देखो जन्मदिन मनाना है तो जन्मदिन का मतलब वैसा मनाओ जैसा हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मनाया। सभी तीर्थंकर परमात्मा ने अपने जन्मदिन के दिन दीक्षा लिया। बहुत सुंदर। तो हर साल जन्मदिन मनाओ। वर्षगांठ के विषय में गुरुदेव कहते थे, वर्षगांठ आना यानी गांठ से एक वर्ष का निकल जाना। तो ये जीवन की नश्वरता और भंगुरता को समझते हुए जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लेना ही जन्मदिन की सार्थकता। जी गुरुदेव, हर जन्मदिन में कोई ना कोई व्रत संकल्प लो और लक्ष्य बनाओ कि इतने बसंत पूर्ण करने के बाद मुझे संत बनना है। यदि ये लक्ष्य बन गया तो बेड़ा पार। मुझे कोयला परिवार के से बेटी दामाद एडवोकेट देवेंद्र जी अर्चना जैन भोपाल। इसके बाद आनंद गोधा भी पूछेंगे, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पूरे चातुर्मास के महोत्सव समिति अध्यक्ष से। महाराष्ट्र के गोधा, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण कोयला परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में मेरी माँ की जो यहाँ संलेखना चल रही है इससे संबंधित मैं ये जानना चाह रहा था कि कसाय संलेखना और काया संलेखना ये दो होती हैं, तो वर्तमान में जो संलेखना चल रही है वह दोनों कैटेगरी की है या किसी एक की? साथ ही साथ में ये जो संलेखना है, इस संलेखना से जो मरण होगा वो बाल मरण होगा, बाल पंडित मरण होगा या पंडित मरण की कैटेगरी में आएगा? महाराज जी कृपया कर, साथ ही साथ ये भी बताएं महाराज जी थोड़ा सा कि हम लोग और इसमें विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम परिजन और क्या क्या करें। देखिए जी, कसाय संलेखना और काय संलेखना दोनों साथ साथ चलती है और तभी संलेखना। शरीर तो ऐसे भी इनका पहले से कसकाय, डॉक्टरों ने तो ऐसे भी जवाब दे दिया, लेकिन उनकी जागरूकता देखिए और धीरे 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 कसकाया और कांतिमान भी हो रही है, कैसे हो रहा है। मैं लोगों से कहूँगा जो लोग लास्ट तक ट्रीटमेंट कहते हैं, आप देखिए अस्पताल का ट्रीटमेंट अच्छा है कि हम लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा है? आपका ट्रीटमेंट, यहाँ तन मन सब प्रसन्न आनंद है, उनकी जागरूकता है और परिणामों की क्षमता से कषाय संलेखना ये बहुत दुर्लभ है। और ये चूंकि व्रती है और संलेखना का व्रत ले रखी है जी, इसलिए ये बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण। बाल तो अव्रती और अज्ञानी का हो, व्रती का बाल पंडित, बाल पंडित मुनि का पंडित और महामुनि केवली भगवंत का पंडित पंडित मरण होता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। यहाँ तक परिजनों की बात है, हाँ। परिजन बस केवल भावना भाए जी, भीड़ भाड़ से बचे, बचे। डिस्टरबेंस न करें। वहाँ जो सेवा में परिचारक है उनके अनुसार ही रहे, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। फालतू मोह भाव जगाने का कोई औचित्य नहीं और इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना रहती है, इसलिए इन सब बातों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी ने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद में आनंद जी गोदा अपना पूरा प्रश्न धर्म प्रभावना समिति के सभी सदस्यों के साथ में, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज दिगंबर जैन महासमिति महिला संगठन नेमिनगर जैन कॉलोनी से काफी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु महिलाएं हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक छोटा सा क्वेश्चन है, साधर्मी वात्सल्य के बारे में आगम में क्या उल्लेख है, थोड़ा समझाएंगे गुरुदेव? क्या अधर्म साधर्मी संयोग से पुण्य लाभ मिलता है, और अगर मिलता है तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा। दूसरा और पूछ लो, एक ही साथ उत्तर दे दो। गुरुदेव हम धर्म प्रभावना समिति की तरफ से एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। गुरुदेव इंदौर के अंदर इतना बड़ा विधान हो रहा है और हम चाहते हैं हम उसको टेंट बढ़ा लेंगे गुरुदेव, और जिनकी भावना नहीं है ना सहयोग करने की या आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हैं गुरुदेव, तो हमारी सबकी ये भावना है गुरुदेव वो इसे पुण्य का अर्जन करें। ओ देखो भाई, पहले तो साधर्मी वात्सल्य क्या है?
हर धर्मी को अपना मानना और उसके प्रति स्नेह की वर्षा करना साधर्मी वात्सल्य। किसी भी साधर्मी को स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता होनी चाहिए जी। ये पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति का एक रूप है। रहा सवाल साधर्मी को सहयोग करने का, आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, जब तक धर्मी है तभी तक धर्म है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं पल सकता। तो हर धर्मी को चाहिए कि वो दूसरे धर्मी को संरक्षण दे, उसे सपोर्ट करे, और इस तरीके से कि उसका मान भी सुरक्षित रहे। वो कितना भी कमजोर हो उसका अपमान न हो जी। साधर्मी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, मैं सेठ सुगंध दास जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। दिल्ली के एक बड़े सृष्टि से सेठ सुगंध दास जैन, जिन्होंने हस्तिनापुर का बड़ा मंदिर बनाया, उनके नगर में, उनके घर परिवार में कोई खुशी का मौका आया और उन्होंने पूरे नगर में लावना बटवाया। लावना ही बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, बुंदेलखंड में गिंदौरा बोलते हैं, घर घर में बायना, अब जो भी हो, हर घर गया। जब उनके आदमी लौट कर आए तो सेठ साहब ने खुद ने रिपोर्ट ली, सब तक लावना पहुंच गया, बोला हाँ पहुंच गया, कोई वंचित तो नहीं रहा, का एक रह गया। कौन रह गया, क्यों रह गया, बोला एक अपना साधर्मी है, वो चना बेचता है। क्यों रह गया, तुम लोग उसके यहाँ गए नहीं, गए तो थे, फिर क्या हुआ, उसने लेने से इनकार कर दिया। चना बेचता अपना साधर्मी है, उसने लेने से इनकार कर दिया, क्यों इनकार किया, तो कहा, वह कहता है कि हमने, हमारा सेठ साहब से आज तक कोई व्यवहार ही नहीं, तो हम उनका क्या ले। उन्होंने कहा ये बात है, चलो बग्घी तैयार करो। सेठ साहब ने बग्घी तैयार कराई, मिठाइयों के टोकने बग्घियों में बग्घी में लगवाई, उसके दुकान से थोड़े पहले नीचे उतरे, सीधे उसके दुकान पर चले गए, एक मुट्ठी चना फाक गए और कह रहे पानी पिला। उस चना बेचने वाले के तो पांव तरे जमीन खिसकने लगी, क्या करे क्या कहे कुछ समझ में नहीं आया। इतने बड़े सेठ उसकी दुकान पे आए हैं, सामने खड़े हैं और पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं, कैसे पिलाऊं पानी, सुराही भी टूटी सी है। सेठ साहब ने पल भर में ही उसके संकोच को भांप लिया और खुद अगले ही पल ओख से अंजलि बनाकर सुराही झुकाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही उनके सेवकों ने मिठाइयों की टोकनी सामने रखी। सेठ साहब ने कहा मेरी ये तुच्छ भेंट है, कृपया स्वीकार करें। जय हो गुरुदेव। मेरी ये तुच्छ भेंट है, कृपया स्वीकार करें। उसने कहा सेठ साहब ये कैसे, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे ले कैसे सकता हूँ, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे ले कैसे सकता हूँ। सेठ जी ने कहा किसने कहा आपने मुझे कुछ नहीं दिया, अभी अभी मैंने आपका खाया है और पिया भी है, जब मैं आपका खा पी सकता हूँ तो आप भी हमें दे सकते हैं, ले सकते हैं। इशारा पाते ही
वो तो अभिभूत हो गया, सेठ साहब के चरणों में गिरने को हुआ। सेठ जी ने फट से उसे थामते हुए सीने से लगाया, कहा तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरणों में नहीं। ये होता है साधर्मी वात्सल्य के प्रति अपना दृष्टिकोण। तो हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, समझ गए जी गुरुदेव। रहा आने वाले दिनों में आयोजित सिद्धचक्र महामंडल विधान का, जी गुरुदेव अच्छे भाव आपने प्रकट किया। आज सुबह भी मैंने इसकी चर्चा की थी, कुछ लोगों ने मुझसे आकर के कहा महाराज हम लोग तो विधान में बैठते ही हैं, बैठ भी रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समर्थ होने के बाद भी खुद से नहीं बैठ पाते हैं। दो तीन लोगों ने मुझसे व्यक्ति सा कहा, और हम चाहते हैं कि इस विधान में वे लोग भी बैठे जो खुद से बड़ी राशि देकर बैठने में असमर्थ। मेरे पास कई लोगों ने बोला, उसमें आपके दिलीप जी की धर्मपत्नी इंदिरा जी भी आई थी, दिलीप जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा जी ने कहा महाराज जी मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी बैठे। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और धर्म प्रभावना समिति ने भी बहुत अच्छी उदारता का परिचय दिया, इस बात को समझते हुए पंडाल का विस्तार कर दिया गुरुदेव। तो अब जैसा मैंने सुबह बताया, जो लोग भी इस विधान में बैठने की इच्छा रखते हैं, जितनी आपके पास जगह शेष है उन्हें स्थान देना चाहिए। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव उसके लिए राशि का कोई अनुबंध न रखे, और राशि आप लोग चाहें तो दूसरे लोग अपने अपने तरफ से विधान में उछलवा दो, तुम्हारा कृतकालिक अनुमोदन सब हो जाएगा। लेकिन अभी आने वाले 7 दिनों में, अभय भाई 7 दिन 5 दिन 7 दिन अब मुझसे निकल गया, 7 दिन में जितने आ जाए, संख्या तो सीमित ही है, लेकिन इन्होंने इस वजह से पांडाल को 20,000 square feet और एक्सटेंड किया है, तो जितने लोग आ सके उनको स्थान मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, और एक भी घर एक भी परिवार वंचित ना हो, ऐसा सत प्रयास करना चाहिए। मैं धर्म प्रभावना समिति के लिए यही चाहूँगा कि ऐसी उदारता बनाए रखिए और इस विधान को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कीजिए। हमारी इच्छा तो ये है गुरुदेव। ओम, अब ज़्यादा इच्छा मत रखो। गुरुवर हांगकांग से राकेश जी सीमा जी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से 10 जोड़ों को बिठवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। चलिए आगे। आज नेमीनगर जेल कॉलोनी महिला संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, और अध्यक्षा उर्मिला दोषी वे अपना प्रश्न कर रही हैं उन सभी महिलाओं के साथ में, और उसके बाद में उन्हीं के ग्रुप से कल्पना जैन तैयार रहेंगे। चलो गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप प्रश्नकर्ता को आगे कर लो महाराज, ताकि नजर तो आए। हाँ चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि किसी ने कहा है कि हम पुराने कर्मों की FD खा रहे हैं, नई FD कैसे बनाएं, क्योंकि हमें FD भी नई पुरानी बड़ी बनानी पड़ेगी, पंचम काल और महंगाई ज़्यादा है। पुरानी कर्मों की FD खा रहे ये भी कथन गलत है, FD तो किया ही नहीं, करेंट अकाउंट में पड़ा उसी को भोग रहे। FD में तो ब्याज मिलता है, तुम तो जो हो उसी को खा रहे हो, कुछ पा नहीं रहे हो, भोग रहे। तो आने वाले दिनों में कंगाल होना ही है, इसलिए क्या करो, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो जब भी, तो हमें खर्चे में कटौती करना चाहिए और आमदनी के स्रोत को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
पंचम काल है तो क्या हुआ, पंचम काल में भी हमें महापुण्य के अर्जन की सुविधा है। पहला काम कि हम पापात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाएं और पुण्योपचय कारक क्रियाओं में अपनी सहभागिता बढ़ाएं। यदि ऐसा करने लगेंगे तो चीज़ें आज भी हमारे नियंत्रण में रहेगी। इसलिए पुराना खाने की जगह नया कमाना शुरू कर दो, जीवन आगे बढ़ेगा। कल्पना जी जैन जैन कॉलोनी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अनिल जी त्रिशला जी जैन बरेली जो गुणायतन और सेवायतन की ट्रस्टी हैं वे तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि आजकल स्वाध्याय को अधिक महत्व दिया जाता है, बाकी आवश्यकों को गौण किया जाता है, जो स्वाध्याय कम करता है उसे अज्ञानी समझा जाता है, क्या यह सही है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। स्वाध्याय करो और स्वाध्याय में जो पढ़ो वो न करो तो स्वाध्याय का मतलब क्या? स्वाध्याय में आप लोगों को क्या कहा गया है? गृहस्थों के लिए दान पूजा सील उपवास यही कहा गया है। ये आपका कर्तव्य है, देव पूजा गुरु पास्थी स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेती गृहस्थानम सत्कर्माणि दिने दिने। तो स्वाध्याय तो करो और ये काम न करो तो पढ़ने का मतलब क्या? वह केवल दिमागी कसरत है, ऐसे कसरत से कोई उपलब्धि होने वाली नहीं। स्वाध्याय करना अच्छा काम है पर स्वाध्याय का मतलब केवल रटना नहीं, किताबें पलटना नहीं, स्वाध्याय का मतलब अपने जीवन को परखना है, जीवन को पलटना है, तब जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अनिल त्रिशलाई जैन बरेली ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन डेनी भैया राहतगढ़ नगर परिषद से। अपने तीनों महाराज जी को हमारी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बरेली जैन समाज की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी रक्षाबंधन से संबंधित प्रश्न है मेरा। महाराज जी विष्णु कुमार मुनिराज जी ने 700 मुनियों की रक्षा हेतु अपने आचार्य जैसे महान पद का त्याग करके वामन का रूप धारण किया था, तो क्या राजा पद्म उन चार मंत्रियों का 700 मुनि राजों पर इतना घोर उपसर्ग देखकर अपना वचन नहीं तोड़ सकते थे? ऐसा ना करके उन्होंने मुनियों के प्रति क्या अपना अवात्सल्य नहीं दिखाया था? बहुत अच्छा सवाल है और इसे व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। एक मुनि अपनी संयम की मर्यादा को त्याग कर मुनियों की रक्षा करते हैं, पर एक राजा अपने वचन भंग न करने के कारण मूक दर्शक बना होता है, ऐसा कहने में लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजा पद्म के हाथ में उस समय कुछ बचा ही नहीं था, उन मंत्रियों ने उनसे पहले ही राजा बलि ने राज ले लिया था, तो उस समय राज्य की कमान राजा पद्म के हाथ में नहीं राजा बलि के हाथ में। उसके साथ धोखा हुआ, बलि ने राजा पद्म को खुश करके उनसे 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया, दे दिया। अब जिसके हाथ में कमान है राज की व्यवस्था तो उसी के हाथ से चलेगी। अब राजा पद्म चाहते भी तो क्या करते नहीं उपाय थे, क्योंकि एक शक्तिशाली राजा बैठा है, बलि को ऐसा वैसा तो था नहीं। वो सोच रहे थे लेकिन निरुपाय से थे, तड़प तो उनके मन में भी होगी, लेकिन विष्णु कुमार महाराज ने जाना। और एक बात और ध्यान में रखना है, राजा पद्म सरल थे और बलि खल था, खल को सरल नहीं निपटा सकते,
सठे साठ्यम समाचरे, छलिया को छल से ही सीख दी जा सकती। इसीलिए विष्णु कुमार महाराज ने भी क्या किया, चाहते तो अपने बल से बलि राजा को मसल डालते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे सीख दी, बामन का रूप धारण किया और तीन डग जमीन मांग कर उसे उसके यथार्थ का बोध करा दिया और बलि राजा को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए मुनियों की बलि बंद कर। तो ये एक परिस्थिति थी। तो कई बार इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिससे सारे काम बनते बनते भी बिगड़ गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ बोलो अगला। दीपक जी जैन डेली भी राहतगढ़ उपस्थित हैं। हाँ, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, श्री सुरेश चंद जी, समेली जी, सर्वेश प्रिया जैन, मढ़देवरा वाले इंदौर। डॉक्टर अनिल सिंह भी इधर आए। अपना प्रश्न करें, डेनी भी है, आप बोले। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी छोटी बहन दीपिका जैन डोली एवं बहनोई श्री आकाश कुमार जैन कोयला परिवार, जिनकी माताजी का आपके सानिध्य में संलेखना जो चल रही है, तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है। महाराज श्री, जो अदर कास्ट के लोग हमारे जो मित्र हैं, वो विस्तार से यह जानना चाहते हैं कि संलेखना क्या है, संलेखना का क्रम क्या है और किस उम्र में संलेखना ले लेनी चाहिए। बहुत सुंदर सवाल है। संलेखना क्या है, संलेखना का क्रम, संलेखना में क्या होता है, कब लिया जाता है और इसका क्रम क्या है, सुन लो। जिसने जन्म लिया, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ लेकिन इसे आप ध्यान से सुने, 4-5 मिनट में मेरी बात पूरी होगी, लेकिन ये ऐसी बात है जिसकी जानकारी प्रत्येक जैन धर्मावलंबी को अच्छे से होनी चाहिए। जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। ये शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा का ना तो जन्म है ना मरण है, वो अजर अमर अविनाशी तत्व है। इसलिए जो आत्मज्ञ है वह यह समझता है कि जन्म मरण नहीं होता, केवल देह परिवर्तन होता है। क्या होता है? देह परिवर्तन। अब ये देह परिवर्तन जब होना है तब होना है। ये शरीर हमारे धर्म का साधन है। जब तक ये हमारे धर्म साधन में सहायक हो, शरीर का संरक्षण करे और शरीर का उपयोग करे। लेकिन जब शरीर छीन होने लगे और मृत्यु की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने लगे, ऐसा लगने लगे कि अब तो बस जाना ही है, तब शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानते हुए, मृत्यु को देह का देहाश्रित मानते हुए, साम भाव से शरीर छोड़ते हुए मृत्यु राज का स्वागत करना संलेखना। समझ गए? मरना तो है लेकिन हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना। जैसे एक व्यक्ति को पुराने वस्त्र छोड़ने पर जब नया वस्त्र पहनने का मौका आता है तो हर्ष होता है, तकलीफ नहीं। ऐसे एक ज्ञानी साधक मृत्यु को तो मृत्यु समझता ही नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु तो है ही नहीं,
मैं तो अमर हूं, ये केवल देह के चोले का परिवर्तन है, जीन शरीर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया संलेखना है। उत्साह के साथ मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में बदल देने का नाम संलेखना है। पर कब लो, जब मृत्यु एकदम अनिवार्य जैसी हो जाए, अपरिहार्य जैसी, ऐसा उपसर्ग जिसका कोई निवारण संभव नहीं, ऐसा दुष्काल जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी बीमारी जो एकदम असाध्य हो, और बुढ़ापे की ऐसी जर्जरता जिसमें अपना ही शरीर भारभूत हो जाए, तब शरीर के मोह को त्यागते हुए अपने व्रत आदि सद्गुणों की रक्षा करते हुए धर्म के साथ शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना, समझ गए। तो ये संलेखना की प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया, मृत्यु एकदम अनिवार्य होने पर संलेखना ली जाती, पहली बात। दूसरी बात, जब भी संलेखना ली जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ सब खाना पीना छोड़ दिया जाए, काय और कषाय को सम्यक प्रकार से कृष करने का नाम संलेखना है। सत धन लेखन सबसे संलेखना है, सत यानी भले प्रकार से, लेखन करना यानी कृष करना, अपनी काया और कषाय को धीरे धीरे छीन करने का नाम संलेखना है। तो इसमें जब कोई संलेखना लेता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपने परिवार परिजनों से प्रिय वचनों से क्षमा मांगता है, सबको क्षमा करता है, अपने मन में स्नेह वैर आसक्ति राग द्वेष मोह इन सब का परित्याग करता है, मन में आत्मतत्व का ज्ञान भेद विज्ञान रखते हुए हार्दिक प्रसन्नता से मन को भरता है, अंदर उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और आत्मा की आराधना और ज्ञान की उपासना में लग जाते हैं। इसको बोलते कसाय संलेख। और आहार पानी को धीरे धीरे कम करते हुए अपने शरीर को कृष करना है कसाय संलेख, काय संलेखना। ऐसा एकाएक नहीं, शरीर में धीरे धीरे भोजन पानी को कम किया जाता है। जैसे प्रारंभिक स्तर में किसी की दो रोटी की भूख है तो उसे एक एक ग्रास धीरे धीरे घटाते हुए पानी और दूसरे लिक्विड पदार्थ देते हुए रखा जाता है, फिर धीरे 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 इस मोह इन सब का परित्याग करता है, मन में आत्मतत्व का ज्ञान भेद विज्ञान रखते हुए हार्दिक प्रसन्नता से मन को भरता है, अंदर उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और आत्मा की आराधना और ज्ञान की उपासना में लग जाते हैं। इसको बोलते कसाय संलेख। और आहार पानी को धीरे धीरे कम करते हुए अपने शरीर को कृष करना है कसाय संलेख, काय संलेखना। ऐसा एकाएक नहीं, शरीर में धीरे धीरे भोजन पानी को कम किया जाता है। जैसे प्रारंभिक स्तर में किसी की दो रोटी की भूख है तो उसे एक एक ग्रास धीरे धीरे घटाते हुए पानी और दूसरे लिक्विड पदार्थ देते हुए रखा जाता है, फिर धीरे 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 रोटी को ख़त्म करके केवल लिक्विड पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड में भी दूसरे लिक्विड को कम करते हुए पानी में रखा जाता है, बीच बीच में शक्ति के अनुसार उपवास भी कराया जाता है। इससे शरीर का शोधन हो जाता है, अंदर की विकृतियां समाप्त हो जाती, फिर धीरे धीरे पानी पर रखा जाता है जब तक वो पानी ले सके, एक बार पानी लेते हैं और इससे फिर धीरे धीरे उपवास करते करते शरीर को छोड़ा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि अंत समय में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है, आदमी हो या जानवर कोई नहीं खाता, आपने देखा होगा मवेशियों को भी अंत में खाना पीना छूट जाता, और अभी तो आप देख रहे हो चेतन श्री को कुछ जा ही नहीं रहा, वो ले भी नहीं रही और उनको कोई तकलीफ भी नहीं, और ये देखिए मैंने कहा था यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, जाके देख लो प्रमाण कैसा तेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, बहुत ज्यादा तेज तो क्या था, अस्पताल में तो छेदन भेदन ही होता रहता और यहाँ डॉक्टरों ने तो 4 घंटे का टाइम दिया था, 5 दिन तो निकल गए है,
और क्षमता कितनी है, प्रसन्नता कितनी है, यह संलेखना का क्रम है। चाहे जब संलेखना नहीं, ये हृदय में भाव रखना चाहिए कि मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पतालों में आहें भरते हुए ना। मैं संलेखना पूर्वक ये देह छोड़ूं। एक बार जो मरण समाधि को प्राप्त कर लेता है वह तीन भावों में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा लटक जाए तो सात और आठ भाव, इससे अधिक नहीं। इसलिए उसको ध्यान। ओम नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। इसके पहले अगला प्रश्नकार आए, मैं देख रहा हूं अपने बीच आज श्रीमती राजकुमारी जी सराफ, जो आज अपने पुत्रों सपन सराफ और अनुभव सराफ पूरे परिवार के साथ आई हैं। ये परिवार बहुत जुड़ा हुआ परिवार, और अभी ये थोड़ी अस्वस्थता से के दौर से गुजर रही है, लेकिन इस विषम अस्वस्थता में भी इन्होंने एक ही भाव रखा कि मुझे और कहीं नहीं जाना, पहले महाराज के पास आना है, और आज ये दर्शन लाभ लेने के लिए आई हैं। एक बार इनकी भावनाओं का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये परिवार है जिन्होंने गुणायतन के मूल मंदिर के भूतल की मूल प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी तक मैंने इसे उजागर नहीं किया था, ये मेरे पीछे 10 साल से लगी हुई थी, और मैंने इनसे कुछ कहा नहीं था, पर मैंने मन में सोच लिया था कि ये काम तो इनको देना ही है। चूँकि अभी अस्वस्थ दशा में हैं, पर चिंता मत करो, विराज करके ही जाओगे, अभी जाने वाली नहीं हो, घबराना नहीं। पर आज इनकी इस प्रतिमा का मैं औपचारिक रूप से इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और घृणायतन की ओर से सभी से कहता हूँ कि राजकुमारी जी का अभिनंदन कर दे रानी जी और चंदन महाराज आ जाए। जितने श्रोमणी संरक्षक हैं सभी आ जावे, शारिक आ जावे, हमारा सम्मान नहीं। अनुभव जी साहब, ये कह रही हमारा सम्मान नहीं कराओ, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा बहुमान कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे दान के अनुमोदन। हाँ, महिलाएं जी सभी आ जावे, महिलाएं भी आ जावे, सम्मान करने की जोरदार सम्मान करें, जिन्हें गुणायतन के इनका करो मुख्य प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अनुभव जी का शायद आज प्रश्न भी है महाराज जी, बहुत अच्छा। आप लोग तालियां बजाकर अनुमोदना करें, बहुत बड़े बढ़िया कार्य आज बच्चों का करो। बच्चों का करो रानी जी, बच्चों को आगे बढ़ाओ। तब तक अनुभव भैया, अनुभव भैया माइक बताए। अनुभव भैया, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे आज अनुभव भैया, और उसके बाद में जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं वो तैयार है। गुरुवर चरणों में पूर्ण रूप से नमोस्तु वंदन तीनों गुरुवरों को। गुरुवर, आज माँ के साथ आने का बहुत दिन से मन हो रहा था, और आज माँ की शक्ति ऐसी हुई कि माँ आपके पास आई। एक मिनट। हाँ बोलो गुरुवर। एक बड़ा मन है कि गुरुवर माँ की दशा और दिशा दोनों स्वस्थ थी, मगर 2 महीने से आपके सामने बातें हैं। ऐसा कुछ करिए गुरुवर कि माँ बहुत स्वस्थ होके हम लोगों के अनुरूप और आपके अनुरूप कैसे हम उनको अच्छा मुक्ति का मार्ग दिखाएं। देखो, शरीर को देखना बंद कर दो। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। बस ये बार बार दोहराओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। भावना योग करते रहो, बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी, तुम बीमारी पर हावी रहोगे। एक बात हृदय में बिठाल दो, मुझे बीमारी से हारना नहीं है, बीमारी को हराना है। बाकी और चर्चा बाद में करूं। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े सुरेश जी का परिवार पूरा मड़देवरा वाले इंदौर, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में यूएसए से सुरभि पांड्या यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर आ जाए। डॉक्टर सुरभि पांड्या अपने परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है कि अभी मैं फरवरी माह में पंचकल्याणक साहेगढ़ में हुआ था, उसमें माता पिता बना था, तो वहाँ मैंने जानकारी ली पंडित जी से, तो उनका कहना है
कि दोबारा माता पिता नहीं बन सकते। तो मेरी शंका है कि आगमानुसार माता पिता दोबारा बन सकते हैं पंच कल्याणक में कि नहीं, शंका का समाधान करने की कृपा करें। ऐसा है, भगवान के माता पिता बन गए, अब फिर अब क्या बनना, एक बार बन गए ऐसे भाव जोड़ लो कि अब तो निहाल हो गए। हालांकि ठीक है, किसी धर्मानुष्ठान में भाग लेने के लिए अगर बार बार भाव हो जाए तो कुछ गलत जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन भैया एक बार बन गए, हर बार तुम ही बनोगे तो दूसरों का नंबर क्यों खाओ, सबको मौका मिलने दो, ज़्यादा बेहतर यही। नमोस्तु गुरुवर। सुरभि पांड्या यूएसए, हाँ, और उनके साथ में ही डॉक्टर अनिल जी सिंह भाई जो तन मन धन से गुरु सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे अनिल जी सिंह भाई वे भी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपसे प्रश्न ये है, इतनी जागरूकता, इतनी चेतना का विकास आपके द्वारा हो रहा है, लेकिन भीतर से वो क्षण कब घटता है जब आत्म जागृति अंतरंग से घटनी प्रारंभ होती है, और उस आत्म जागृति के घटने का जो विकास होता है जीवन में वो कैसे पता चलता है? देखिए बात बहुत ही गंभीर, आत्म जागृति एक अंतर घटना है, बाहर से प्रभावित होना अलग बात और भीतर से परिवर्तित होना अलग बात। धर्म से जुड़ाव बाहरी प्रभाव है और भीतर का परिवर्तन आंतरिक जुड़ाव है। तो कई बार लोग बोलते हम बहुत प्रभावित हैं, मैं कहता हूं मैं आपसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, क्योंकि प्रभावित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवर्तित होना ही असल बात है। ये अंतर घटना है, जब तक व्यक्ति के अंतर मन में वह आत्मबोध नहीं घटता तब तक व्यक्ति अंदर से बदलाव नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम मूल को पकड़े और अंदर से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आपने पूछा उसका एहसास कब होता है, वो व्यक्ति खुद इस बात को समझने लगता है जब उसकी सोच बदल जाती है, उसके अंदर समता आने लगती है, संतोष आने लगता है, सरलता आती है, सकारात्मकता आती है। तो ये उसके आंतरिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति का आधार है, ये एक प्रकार की क्रांति है जो सहज होती है, और एक बार हो जाए तो फिर वो उधर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, हमें वही प्रयास करना। नमोस्तु महाराज। अनिल जी सिंह हुई इंदौर, और उसके बाद में महाराज जी से अपने निवेदन करें। नमस्ते महाराज जी, प्रश्न इससे मिलता जुलता है कि कई बार हम कोई एक्सपीरियंस हमारा होता है लाइफ में, हम मोह में, माया में, कषाय में गलत कदम उठा लेते हैं, उसका अंजाम भी गलत होता है, नेगेटिव होता है, पर ऐसा क्यों होता है कि इंसान वही गलती फिर से दोहराता है और फिर से दोहराता है? देखिए ये आपके ही साथ है, बड़े बड़े साधकों के साथ भी होते हैं। एक आचार्य हुए हैं आचार्य पूज्यपाद, महान आध्यात्मिक आचार्य, उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा समाधि तंत्र, आत्मा की समाधि का बहुत उत्तम ग्रंथ, उसमें उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी हम मुनियों के लिए, जानन अपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन अपि पूर्व विभ्रम विवशात् चेतः, पूर्व विभ्रम वशात् चेतः भूयो भ्रांतिम अभिगच्छते। आत्मा के तत्व को जानते हुए एकांत में उस आत्मा की भावना भाते हुए भी पुराने विभ्रम के वश से
अर्थात पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर बार बार भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। मुझे बाहर नहीं जाना, अपने में ही रहना है। एक साधक जान रहा अकेले में भावना भी भा रहा है, फिर भी बार बार बाहर आ रहा है, वही कर रहा है जो उसको नहीं करना। क्यों? पुराने संस्कार प्रबल है। जब उस लेबर के योगियों में ऐसा हो सकता है तो साधारण भोगियों की क्या कहानी। संस्कार बहुत जल्दी हावी होते और ये संस्कार जो जो हावी होते हैं त्यों तो ऐसे परिणाम आने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कारों पर विजय करने की शुरुआत करें, सतत लगे, भावना भाएं, धीरे धीरे बदलाव हो सके। नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपन सभी पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में निवेदन कि वे तो परिसय जयी हैं, निरोग हैं, निशंक हैं, लेकिन अपनी उनकी शंका के माध्यम से वे हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें पूज्य श्री, और उसके बाद में जो प्रश्नों की झड़ी है वो बाद में रखेंगे। मुनि श्री जी को नमोस्तु करते हुए वर्षा योग स्थापना के बाद अब निष्ठापन की घड़ी निकट आ रही है। अनेक महान उत्सव के साथ यह वर्षा योग चल रहा है। दस लक्षण महापर्व भी सभी ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया और आगामी एक पर्व लौकिक दृष्टिकोण से जो बहुत विशेष माना जाता है विजयदशमी का पर्व, जो कि आज से ही कुछ महोत्सव के साथ वह विजयदशमी का पर्व लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ दो प्रश्न इस विषय को लेकर के हैं। ये विजयदशमी पर्व जो आगामी दिन में आने वाला है, आज से ही कुछ प्रक्रिया जो प्रारंभ होती हैं, इसका जैन दर्शन में क्या महत्व है? इन 9-10 दिनों में जैन दर्शन किस प्रकार से इस पर्व को मनाने की योग्यता रखता है? दूसरा प्रश्न ये है, इन दिनों विशेष रूप से अनेक संस्थाओं के द्वारा कुछ नृत्य आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनमें अनेक प्रकार के बच्चे, महिलाएं, श्रावक श्राविकाएं भी उसमें अपना उत्साह के साथ उस उत्सव को मनाते हैं। इसको गरबा आदि जो कहते हैं, इसकी क्या मर्यादा होना चाहिए और जैन धर्मावलंबी को इसमें किस तरह से अपना सहयोग करना चाहिए अथवा या अपने उत्सव को मनाना चाहिए, कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। देखिए, बहुत ही प्रासंगिक और मौलिक प्रश्न महाराज से ने उपस्थित किया। निश्चित आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और 9 रात्रियां बीतने के बाद विजयादशमी होगी। 9 रात्रि की अपनी एक कहानी है और उसके साथ अपना धार्मिक विश्वास। 9 रात्रि के दिनों में दुर्गा की उपासना की जाती है, अलग अलग तरीके से की जाती है। जैन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई व्यवस्था जैन आगम में नहीं, लेकिन जब 9 रात्रियों की बात करें तो मुझे 9 रात्रि दिखती है और विजयादशमी की बात हो तो विजयादशमी भी दिखती है। मेरे नज़र में 9 रात्रि अगर कोई है तो 5 पाप और 4 कसाई की 9 रात्रि है, इन्हें मिटा दो तो आत्मा की विजयादशमी होगी, जो 10 धर्मों के माध्यम से संभव। कभी विस्तार से मैं दशहरा और नवरात्रि पर चर्चा करूंगा, मैंने कभी पहले प्रवचन भी किया है, मुझे पहले आभास होता तो आज का पूरा सत्र ही इस पर हो जाता, लेकिन फिर भी एक लंबा समय हो गया है, हो सकता है एक आध दिन में इसी पर चर्चा करूं और हम एक आध्यात्मिक दशहरे की बात करेंगे। ऐसा कर लेते, आगामी 6 तारीख के रविवार के प्रवचन में ही कर लेते हैं, तो मैं उसमें अपना मत प्रकट करूंगा। लेकिन हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़े, जैन धर्म की एक बड़ी विशेषता रही
कि जैनों ने लोक संस्कृति और लोक परंपरा की कभी उपेक्षा नहीं की। अगर लोक में किसी भी प्रकार का उत्सव आराधन होता है तो ऐसा नहीं कि जैनी उसमें अलग थलग रहे, वो सदैव साथ रहे। हमारे यहाँ पुराणों में कुछ जगह ऐसा भी आता है कि भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय की यात्रा की थी तो इसी नवरात्रि के दौरान की थी, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख आता है। तो ये एक अपनी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह की मान्यता है वो मान्यता जैन धर्म के हिसाब से सुसंगत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म विशुद्धतया आध्यात्मिकता को प्रमुखता देता है और अपने अंतर मन की विशुद्धि के लिए ही आराधना की बात करता है। जहाँ तक इस उत्सव में किए जाने वाले रास आदि की बात है, ये एक भक्ति का रास है और ये जहाँ उत्पन्न हुआ वो बहुत भाव व्यक्ति के साथ किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसमें घोर विकृति आते जा रही। अब जगह जगह पर गरबा के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, पूरी पूरी रात युवक युवतियां मिलकर इसमें अपनी भक्ति के नाम पर एक प्रकार का रास करते हैं। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है। प्रायः ऐसी बातें अखबारों में छपते भी रहती है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इन दिनों के बाद आने वाले 2-2.5 महीनों के बाद घोर गर्भपात जैसे कुकृत्य होते हैं। आखिर ये सब क्या है जो हमारी मर्यादाओं को तार तार कर दे? वो कैसा त्योहार? ये तो धर्म का दुरुपयोग है। अगर विशुद्ध भाव से भक्ति भाव से किया जाए तो वह अपनाया जा सकता है, लेकिन जहां ऐसी विकृति और पाप हो वो कैसे सम्मत होगा? मैं तो सभी से कहना चाहूंगा ऐसे अंधानुकरण से बचे। हमारे यहां रास लीलाओं का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसी रास लीला मत करो जो तुम्हारे जीवन को ही बिगाड़ डाले, तुम्हारी मर्यादाओं को ही तार तार कर डाले। ये उचित नहीं है, इसलिए ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः आज युवक युवतियों में इसका बड़ा क्रेज है और अब तो बड़ी उम्र की महिलाएं और पुरुष भी इसमें सम्मिलित होने लगे हैं। जो कुछ भी हो मर्यादाओं की रक्षा पूरी तौर पर करना चाहिए, तभी हम अपने को धर्म को संस्कृति को और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। आज अपने बीच में जैन सोशल ग्रुप उड़ान उसके यहाँ ग्रुप की सदस्य यहाँ उपस्थित हैं सभी एक साथ। प्रश्न बहुत सारे उनके हैं, लेकिन एक प्रश्न भी करने समय की भी अपनी सीमा है और उसके बाद में आगे भी कार्यक्रम। एक मिनट में इस बीच में बोलूँगा, अपना पहले से घोषित कार्यक्रम था 4, 5, 6 अक्टूबर को गोमटगिरी और मुझे हम सबको गोमटगिरी के लिए जाना था, लेकिन जैसे आप सबको जानकारी है कि यहाँ एक संलेखना चल रही है चैतन्य श्री जी की, इसलिए उनकी संलेखना के कार्यक्रम के कारण बाकी सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए गोमटगिरी का जो कार्यक्रम था अगले सूचना तक स्थगित माना जाए, ये सबको ध्यान रखना है। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति पूरे इंदौर शहर में ये बात विज्ञापित कर दे कि अभी महाराज जी पूरा संघ अगली सूचना तक मोहता भवन में ही रहेगा, गोमटगिरी का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित है और इसके लिए वहाँ की कमेटी को भी सूचित कर दिया गया, उनने सहर्ष इसे स्वीकार भी लिया। बोलिए। हाँ,
तीनों महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु हमारे उड़ान ग्रुप की तरफ से और दोनों छुल्लक जी के इच्छामी। महाराज जी आपसे मेरा प्रश्न है, धर्म की श्रेणी में क्या आता है? नित्य पूजन करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, सब कुछ करके कसाय करना, या कुछ ना करके भी भावों को शुद्ध रखना? अपनी कसायों को कम करने के लिए ये सब कुछ करना। क्या बोला? सब कुछ करते हुए कसाय करना नहीं, कसायों को कम करने के लिए ये सब कुछ करना। तो ये ध्यान रखना, हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, धर्म की क्रियाएं अनुकरणीय हैं, लेकिन हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये क्रियाएं क्यों करते हैं, जिस लिए करते हैं उसका हमें लाभ लेना चाहिए। चलिए और पूछ लीजिए। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, जिन मंदिर संबंधी 84 असाधनाएं क्या होती है, और मंदिर जी में भी प्रवेश करते समय उन असाधनाओं का दोष लगता है? देखिए, मंदिर में किए जाने वाले ऐसे कृत्य जो मंदिर में नहीं करना चाहिए असाधना कहलाते हैं, एक प्रकार के दोष। 84 असाधनाएं, 84 गिनाऊंगा तो मुझे भी मैं भी भूल जाऊंगा, कुछ खास खास बता देता हूँ। मंदिर में जाना, मंदिर में बातें करना असाधना है, भगवान को पीठ दिखाना असाधना है, दीवार से टिककर बैठना असाधना है, मंदिर में जमाई लेना असाधना है, भगवान को उंगली दिखाना असाधना है, मलमूत्र आदि का छेप करना असाधना है, लार कफ आदि गिराना असाधना है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमें मंदिर की पवित्रता को बनाकर रखना हमें ध्यान रखना चाहिए। बुरा लगेगा, मंदिर में खुले बाल से जाना भी असाधना है, समझ गए? बंधे बाल से जाना चाहिए। दोष आप लोगों का नहीं है, हम समझते हम ही लोगों का होगा, कभी बताया ही नहीं जाता। महाराज कल 84 असाधना लेके आओ और एक सवाल उठाओ। आज तो समय हो गया, अगर उड़ान ग्रुप दोबारा आ जाए तो फिर मौका देंगे। आप लोगों का सवाल हो गया है, बहुत अच्छा सवाल है। महाराज जी एक क्वेश्चन, ओवर समाप्त हो गया, पूछना है तो पूछ लो। बोलो। हाँ हाँ। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल लोग तीर्थ यात्रा भाव से कम और घूमने के हिसाब से ज़्यादा करते हैं, तो हमें किसी भी यात्रा को करते समय क्या भाव रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यदि आप लोग दोबारा आ सके तो ये प्रश्न को मैं लंबित रखूं ताकि सबको लाभ मिले, नहीं तो केवल अभी यहाँ वालों को लाभ मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? आएंगे ना, तो अभी प्रश्न को बचा के रखो, काम में आएगा। बोलिए। आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। महाराज इन लोगों के सवाल अच्छे हैं, जिस दिन आए उस दिन नंबर दे देना। हाँ जी, आज 5-6 प्रश्न थे, मैंने तो बहुत की, उड़ान ग्रुप ने भी और अजैन कॉलोनी वालों ने भी बहुत। फिर आ जाएंगे। आचार्य भक्ति करें, आदा प्राणी का आचार्य वंदना, सिद्ध भक्ति का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।